कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक रोल लेकर आई हूँ जो कि बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। नाश्ते के लिए ये बहुत ही बेस्ट है और बच्चों के लिए, बड़ों को लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत पसंद आता है सभी को। तो आप इसे ज़रूर बनाएं एक बार। ये कैसे बनता है आइए चलिए हम बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक बड़ा बाउल ले लीजिए, उसमें ये तीन बड़े साइज की प्याज हमने लच्छेदार काटा है, पतला पतला। ये देखिए इस तरह से काटा हुआ है, इसको इसमें डाल लेंगे। इसके बाद ये शिमला मिर्च है, इसको भी हमने पतला पतला काटा है, इसको भी डाल देंगे। ये हरी मिर्च, एक हरी मिर्च है, इसको भी इसमें डाल देंगे। और धनिया है थोड़ा सा। ये 1/4 रेड चिली पाउडर है। और इसके बाद चाट मसाला डालेंगे 1/2 टीस्पून। उसके बाद आप रेड चिली सॉस आता है उसमें, उसको भी डाल सकते हैं आप, लेकिन इसमें हम सेजवान चटनी डाल रहे हैं। ये देखिए 1 टीस्पून। देखिए 1 चम्मच सिरका डालेंगे इसमें। और ये देखिए 1 टीस्पून नींबू का रस है, इसको भी इसमें डाल देंगे। और ये देखिए टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे इसमें। और इन सबको हमें अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अच्छे से सब इसको मिला लिया है, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको एक साइड रख देते हैं। ये देखिए 2 अंडा हमने तोड़कर डाल लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ग्रीन चिली डालेंगे। ये ग्रीन चिली डाल दिए, इसके हिसाब से नमक डालेंगे, अच्छे से मिक्स करना है। पराठा हमने पहले ही बना लिया है ताकि लंबी वीडियो ना हो। ये देखिए आप इसको रोटी में भी बना सकते हैं, लेकिन हमने पराठा बनाया हुआ है, ये ताज़ा पराठा अभी का बना हुआ है। अब आइए चलिए आगे बनाते हैं। और ये देखिए तवा गर्म हो गया, इसमें हम 1 टीस्पून एक और डालेंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे। और हमने ये जो अंडा भी फेंट के रखा हुआ था मिक्स करके, इसको इसमें डाल देंगे और इसके ऊपर हम पराठा रख देंगे। इसको मीडियम टू लो पे पकाइएगा, नहीं तो अंडा हमारा जल जाएगा, ठीक से पकेगा नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब नीचे से हो गया है। इसको ऐसे दबा दबा कर थोड़ा सा सेक लीजिएगा ताकि अंडा भी अच्छे से पक जाए। अब ये नीचे से हो गया है, अब इसको पलटना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हमें आराम से पलटना है। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ऑमलेट बनकर तैयार है इसे। अब इसी तरह हम बस 1 सेकंड के लिए नीचे भी सेकेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे से भी अच्छे से हमारा पराठा हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने पहले बनाया वैसे इसको दूसरे को भी बनाना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, अंडा डालेंगे। और इसके ऊपर एक पराठा और रखेंगे। अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे, 1 से 2 मिनट तक। फ्रेंड्स, अंडा हमारा नीचे से बहुत बढ़िया फूला हुआ है। अब ये इसको हम पलट देंगे, नीचे से हो गया है अंडा।
ये देखिए कितना बढ़िया पक गया है। अब एक सेकंड के लिए हम पराठा भी सेक लेते हैं। ये देखिए नीचे से भी अच्छे से सेक गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स, हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसमें हम जो हमने बनाया था ना ये फिलिंग भरेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसे एक बार ज़रूर बना के देखें। ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। इसमें हम और भी सब्जियाँ डाल सकते हैं, जैसे गाजर है, बीन्स है, आप जो डालना चाहें डाल सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी रहता है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी, आप कोई भी चटनी डाल लीजिएगा। और ये देखिए अब इसको हम ऐसे करके रोल करते जाएंगे। ये देखिए रोल हमारा बनकर तैयार है। अब इसको क्या करेंगे, पेपर में लपेटेंगे। आप चाहें तो टूथपिक आता है उसको भी ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको टिश्यू में लपेटेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एग रोल बनकर तैयार है। कितना टेस्टी और कितना यमी लग रहा है और कितना इजी है बनाना। कोई इसमें झंझट नहीं है, हमने बहुत आसान तरीके से आपको बनाया है। तो एक बार आपका बनाना बनता है तभी आपको पता चलेगा कितना बढ़िया टेस्ट है। तो आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।